चीज़ आपको नहीं दिखाया जाता है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कैसा प्रोग्राम होने वाला है, कैसा है नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश ज़बरदस्त औसम वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान क्या क्या आउटलेट लगाए गए हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल औसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। क्या क्या आपको प्रदर्शनी में लगाया गया है, तो आपको बिना आए हुए ही आपको मैं यहाँ पे, जो लोग नहीं आए उनके लिए ये आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। ये देख लीजिए, ये पूरे अभी फाइनल टच दिया जा रहा है इस कार्यक्रम को लेके, जो स्टॉल लगाए जा रहे हैं। मैं आज उल्टा दिखाने वाला हूँ, ये लीजिए मखाना मिथिला फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के जो यहाँ पे लगाए गए हैं प्रदर्शनी में, नाबार्ड का द्वारा वित्त प्रदत्त होगा, आई थिंक सत्यम शिवम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और यह है कमला फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये बड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला। ये देख लीजिए कुछ प्रदर्शनी जो लगाया गया हो नाबार्ड द्वारा, ये जो है सपोर्टेड है, इसको बैकेंड किया जा रहा है। हैप्पी ट्रेडर्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मतलब यश मखाना उद्योग, हनुमान नगर बेनीपुर दरभंगा, यश बैंक ऑफ इंडिया, इसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में है, मखाना उद्योग में यहाँ पे, और ग्रामीण महिला उद्यमिता उत्थान ज़बरदस्त। ये पैडमैन मूवी इसके आप देखे होंगे तो कुछ रिलेटेड है उससे, ग्रामीण महिला उद्यमिता उत्थान। ये बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक है, ये इनको दिया हुआ मेरा बैंक पंजाब नेशनल बैंक। जैसे कि आपको पता है जो 26 बैंक द्वारा 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे बांटे जाएंगे ऋण, और एक रोज़गार यहाँ पे उत्पन्न करने की कोशिश किया जा रहा है। 100 108 एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कैनरा बैंक, ये इन्होंने फाइनेंस किया है। ये यूके बैंक द्वारा है, मतलब सारे बैंक जो अपने अपने चीज़ जो कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ जो इकोसिस्टम सपोर्ट कर रहा है, फिनेंशियल सपोर्ट उसके लिए यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया गया है। ये देख लीजिए आने वाले फ्यूचर सौर क्रांति का जो है ये ज़बरदस्त प्रदर्शन होगा यहाँ पे, और इसको लगाया गया है ये जक्ष ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी, ये ज़बरदस्त है। ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट अक्षय ऊर्जा के तहत, आपको पता ही है जो बिजली कितनी महंगी हो रही है, और साथ में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के जो है एनर्जी पे काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोलर एनर्जी जो है, एक अक्षय ऊर्जा जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जो भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए आपको अक्षय ऊर्जा में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे तेज़ धूप जो है, धूप साल के लगभग 300 डेज़ के आसपास होता है, तो उस हिसाब से इसको सपोर्ट किया जा रहा है। और ये देख लीजिए जीविका, आपको नज़दीक से ले जाके दिखाता हूँ, जीविका श्यामा सहायता समूह अदौरी अचार, बहुत सारा ये है, मिथिला पेंटिंग सेंट आर सेटी दरभंगा, मतलब सेंट्रल स्टॉल नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये विविध प्रदत्त है, तो बहुत अच्छा जो है ये प्रदर्शनी लगाया गया है। तो इसको देख लीजिए, ये फाइनल टच दिया जा रहा है प्रोग्राम से पहले, वो जो कॉर्नर में है वो सबसे अच्छा मेरे को लगा, सोलर एनर्जी वाला जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से देखिए आप, पुलिस प्रशासन जो है अपना काम कर रही है, और ये जल्दी ही आपको यहाँ पे एक्टिव होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अब समय कम बचा है और लगातार यहाँ पे अब जो सिक्योरिटी पर्सन हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। ये देख लीजिए एक शानदार एक प्रोग्राम का नज़ारा आपको दिखने को मिलेगा, पूरा मैं एक बार दिखा रहा हूँ। सारे बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये जो है बैनर्स लगाया गया है, और अभी तक जो है ना साउंड बॉक्स ये सब टच करने की कोशिश किया जा रहा है, लास्ट मिनट
फाइनल टच देने की कोशिश किया जा रहा है। फाइनल टच दिया जाएगा इसको थोड़े ही देर में। एक बार मैं आपको मंच दिखा देता हूँ, जो मंच की तैयारी कैसा है, कैसे किया जा रहा है। ये देख लीजिए, मंच तरफ मैं आ गया हूँ और आपको मैं गोपाल जी ठाकुर के आवास पे भी ले जाऊँगा, जो वहाँ पे क्या तैयारी है। पीएम स्वनिधि, स्वनिधि ये योजना यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ऐसे कॉरपोरेट वर्ल्ड के पर्सन हैं जो यहाँ पे। चलिए मैं उस तरफ से दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइट थोड़ा सा कम है। ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा जो है अभी फाइनल टच देने की कोशिश किया जा रहा है। जितने भी अतिथिगण हैं उनके लिए नेम प्लेट वगैरह अब किया जा रहा है। ये देख लीजिए, अभी जो है यहाँ पे कुछ वायर वगैरह जो लगाए गए हैं थोड़ा सा यहाँ पे, हालांकि मूवमेंट्स उस समय कम रहने वाला है जब प्रोग्राम किया जाएगा, तो इसलिए उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है ये जगह जो है वीआईपीस जो आएंगे पास वाले लोग उनके लिए है। और आपको बता दूं, जो आज शाम को गोपाल जी ठाकुर जो स्थानीय सांसद हैं, दरभंगा के सांसद हैं, उनके घर पे भी जाएंगे, जाएंगी। वहाँ पे नया आवास है, थोड़ा सा छोटा आवास हो गया था उनका जो पहले था, वहाँ पे अगर गैदरिंग होता था पब्लिक का तो एकदम अजीब सा लगता था। थोड़ा सा उन्होंने अपना जगह चेंज किया है, नए आसियाने में आए हैं, वहाँ पे बड़ा जगह है और उसी जगह को जगह पे उन्होंने वित्त मंत्री जी को अपने एक नाइट डिनर के लिए बुलाया है। तो उसका भी मैं कोशिश करूँगा जो आपको एक व्यू दूँ। साथ में ये देख लीजिए कितना शानदार लग रहा है, दरभंगा राज का जो ये दीवार है और किला जो है, और इसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, किसी सेपरेट वीडियो में वो बताऊंगा। फ़िलहाल तो इस समय आपको बता रहा हूँ, जो ये देख लीजिए कैसे प्रोग्राम को अंजाम दिए जाना है। तो प्रदर्शनी आपको मैं आपको आने से पहले मैं दिखा चुका हूँ। वित्त मंत्री जी आएंगी, आपको सभी मीडिया कवरेज आपको मिलने वाले हैं, सभी टॉप जो नेशनल चैनल हैं। उससे पहले जो चीज़ आपको नहीं दिखाया जाता है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कैसा प्रोग्राम होने वाला है, कैसा है नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।